और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। आरजेडी के नेता लालू यादव की बेटी और पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती के प्रधानमंत्री पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर बीजेपी हमलावर है। इस बारे में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी राजेश राज ने। अभी बिहार में मीसा भारती के बयान के बाद जहां एक तरफ बवाल मचा हुआ है, वहीं पर मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में नवरात्रा के दौरान मछली खाते हुए वीडियो जारी करते हैं, जिसको लेकर सियासी तापमान गरमाया हुआ है। हमारे साथ राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा हैं इन दोनों मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। सत्ता में आए तो इलेक्ट्रल बॉन्ड की जांच कराएंगे और तमाम लोगों को जेल भेजेंगे, क्या कहेंगे? जो डरा हुआ होता है, भयभीत लोगों की ये आवाज है, सहमा हुआ है, जान रहा है कि चुनाव के बाद मेरा जगह कहाँ होगा। तेजस्वी यादव मछली खाते हुए दिखाई पड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी उस पर आक्रामक नजर आती है। अब तेजस्वी कह रहे हैं कि बीजेपी को मछली दिखाई पड़ रही है, लेकिन बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे उनके एजेंडे से बाहर है, क्या कहेंगे? देखिए तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी के राह पर चल चुके हैं। जो स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है, एक लंबी टीम लगी रहती है, जो लिख के देता उतना ही बोलते हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिनको हम लोग सड़क से सदन तक देखे हैं और पूरे बिहार और देश की जनता भी देखी है। ये कहते थे कि हम भाग्यशाली हैं, दो दो पूर्व मुख्यमंत्री के मैं पुत्र हूं, सचमुच में भाग्यशाली है, सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, ये आपका सौभाग्य है। लेकिन सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाला रानी के पेट से राजा लोकतंत्र में पैदा नहीं होता है। चलिए बहुत शुक्रिया बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जिनका कहना है कि नेचर और सिग्नेचर बिल्कुल नहीं बदलता है और प्रधानमंत्री को जेल भेजने की बात करना मीसा भारती के द्वारा, उस पर उन्होंने कड़ा प्रतिवाद किया है। कैमरामैन ललित के साथ पटना बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए।